पहला सवाल जो था B.S. ग्रेवाल की बुक का वो था ये वाला, तो ये हमने कह दिया। अब इसके बाद ये जो ये वाला सवाल है ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, तो आप थोड़ा नज़र रख लीजिएगा। तो ये जो है ना, ये कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा का होल 4 डिवाइडेड बाई साइन बीटा प्लस आई कॉस बीटा का होल 5। तो हमने पीछे वाले मतलब फार्मूला से हमें पता चल गया है कि यहाँ पे हमें इसको एन थीटा में आ जाता है ना, तो यहाँ पे कॉस 4 अल्फ़ा प्लस आई साइन 4 अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन 5 बीटा प्लस आई कॉस 5 बीटा। फार्मूला फिर से दिखा लेता हूँ, ये है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल एन कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, वही हमने यहाँ पे लगा ली क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हमें प्लस ही लेना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमें इसका जो डिनोमिनेटर का कंजुगेट है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। एक किस्म का रैशनलाइजेशन टाइप है, लेकिन एक्चुअली में ये कंजुगेट से मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो आप शॉर्ट में अगर वैसे भी समझना चाहोगे समझ लो। ये देखिए साइन 5 बीटा प्लस आई कॉस 5 बीटा का हमने ये कंजुगेट लिया, माइनस लिया यहाँ पे। तो उसके बाद जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस लिया कॉस 4 अल्फ़ा प्लस आई साइन 4 अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन 5 बीटा माइनस आई कॉस 5 बीटा के साथ, और नीचे यही दो प्लस और यहाँ पे माइनस से मिल रहे हैं। तो अब हमें पता है जब ये प्लस और ये माइनस है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। जो हमने जेड इंटू जेड कंजुगेट से पता चला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और वही हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लिया। हम ऊपर की बात करते हैं, इस वाले को हम इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यानी कि कॉस 4 अल्फ़ा को हम साइन 5 बीटा माइनस आई कॉस 5 बीटा के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और आई साइन 4 अल्फ़ा को साइन 5 बीटा माइनस आई कॉस 5 बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम चलते हैं आगे, कॉस 4 अल्फ़ा साइन 5 बीटा, ये देखिए यहाँ से ये। अब इसको कॉस 4 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे आई कॉस 5 बीटा के साथ, तो निकलता माइनस आई कॉस 4 अल्फ़ा कॉस 5 बीटा, ये है कॉस 5 बीटा और यह कॉस 4 अल्फ़ा। तो उसके बाद हम प्लस इसलिए यहाँ पे अब आता है क्योंकि यहाँ से भी प्लस है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। प्लस आई साइन 4 अल्फ़ा इंटू साइन 5 बीटा, प्लस यहाँ पे आई साइन 4 अल्फ़ा साइन 5 बीटा, तो ये साइन 5 बीटा एंड साइन 4 अल्फ़ा। तो उसके बाद यहाँ पे माइनस और ये है प्लस, यहाँ पे आप सोचेंगे तो यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए, लेकिन आई और आई आई स्क्वायर वो होता है माइनस वन के बराबर, तो जो ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा उसको फिर से प्लस करने वाला आएगा आई स्क्वायर, यानी कि हम एक्चुअली यहाँ पे आता माइनस आई स्क्वायर साइन 4 अल्फ़ा कॉस 5 बीटा, लेकिन आई स्क्वायर ऑब्वियसली माइनस वन के बराबर, तो वो बन जाता है प्लस साइन 4 अल्फ़ा कॉस 5 बीटा के बराबर। ये है कॉस कहाँ कॉस 5 बीटा एंड साइन 4 अल्फ़ा, आई ख़त्म हो गया। और यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 बीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 बीटा है, जो कि हम आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 के बराबर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आप लोगों के लिए, तो ये पता चल गया आपको फॉर्मूला आ गया याद। और उसके बाद जो है ना, हमने देखिए क्या किया, ये जो कॉस 4 साइन 5 बीटा है कॉस 4 अल्फ़ा साइन 5 बीटा, और यहाँ पे ये देखिए ये दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये वाला रियल पार्ट है क्योंकि साइन 4 अल्फ़ा कॉस 5 बीटा के साथ कोई भी इमेजिनरी नंबर यानी कि आई नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों को इकट्ठे लिख लिया। हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कॉस 4 अल्फ़ा साइन 5 बीटा प्लस साइन 4 अल्फ़ा कॉस 5 बीटा। तो उसके बाद माइनस आई, हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक माइनस है एक जगह पे प्लस है, तो हमें उसका चीज़ का ख्याल रखना है। अगर हमने माइनस लिया यहाँ पे माइनस आई, जो ये कॉस 4 अल्फ़ा कॉस 5 बीटा ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस के साथ ही थे तो परवाह नहीं है, और जो यहाँ पे है इसको ज़रूरी हमें यहाँ पे माइनस की साइन लगानी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी प्लस में था लेकिन हमने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस निकलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो वही रहेगा सेम चीज़ यहाँ पे साइन 4 अल्फ़ा साइन 5 बीटा है। तो हमें पता है साइन ए कॉस बी हो गया प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, और वही मैंने यहाँ पे किया। अगर आप इसको पहले ले लोगे साइन 4 अल्फ़ा कॉस 5 बीटा प्लस कॉस 4 अल्फ़ा साइन 5 बीटा, एक ही बात है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा अगर हम आप इसको ए रखोगे, अगर हम आपको इसको ए रखेंगे इसको बी रखेंगे और इसको ये भी ए ये भी बी बन गया, तो आप देख सकते हैं साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी। तो उसके बाद दूसरी फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस का साइन आता है क्योंकि कॉस में ऑब्वियसली चेंज हो जाता है, आपको पता होगा 11th में हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो उसका है कॉस ए प्लस बी, तो क्या माइनस आई उठा कि ये वाला माइनस आई
ये वाला हमने निकाल के रख दिया, कॉस 4α + 5β। तो ऑलरेडी हमने भी ये पहला क्वेश्चन प्रूव कर दिया था, अब हमने ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव कर दिया। तो ये है पहले दो क्वेश्चंस, पहले दो पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन के।